जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड की ओर से हिसार के सूर्यवाला आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद मंच पर पहुंचने पर जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के जनरल मैनेजर एचआर अनुपम जाखवाल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से बोलते हुए अतिथि महोदय का स्वागत किया। स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहां आकर के हमारे इस जॉब फेयर के लिए हमको बढ़ावा दिया और हमें अच्छे अच्छे बच्चों को नियुक्त करने में हमारी पूरी मदद करी। मैं इसके लिए पूरे जिंदल परिवार की ओर से, जिंदल स्टेनलेस हिसार की ओर से अनूप धानक जी मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और हमें ये मौका दिया कि आईटीआई से हम होनहार बच्चे रिक्रूट करें। हम यहाँ से बच्चे लेंगे, उसमें हमें अप्रेंटिस भी चाहिए होंगे और आगे भी हम अच्छे लोगों को लेते रहेंगे। अनूप धानक जी का योगदान बहुत रहा है, हमें बहुत सहयोग मिलता है और मैं उनकी इजाज़त हो तो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, जमाने से होते आया है, जमाने से होते आया है, इतिहास भी कहता है यही, काम करने वाले की महानता होती है, रस्म और रिवाज तो क्या जमाना बदल देते हैं जिनके दिल में काम करने की तमन्ना होती है। ऐसे ही हैं हमारे अनूप जी, धन्यवाद। जिंदल स्टेनलेस हिसार की अपनी अलग पहचान है। आईटीआई करने वाले छात्र छात्राओं की आंखों में सपना होता है कि वे इस इकाई का हिस्सा बन अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। सूर्यवाला में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां इंटरव्यू के लिए भारी संख्या में छात्र पहुंचे। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने मंच से बोलते हुए जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड से उम्मीद जताई कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ मौका मिलेगा। आज सबसे पहले हमारे मारुति का जो यहाँ जो फेयर लगा तो उसमें लगभग हमारे 300 के करीब बच्चे हमारे जो जिन्होंने जॉब मिली और नौकरी मिली। उसके बाद एस्कॉर्ट्स जो फरीदाबाद में बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, उसका यहाँ जो फेयर लगाने का काम किया। लगभग 200 के करीब बच्चे उसमें हमारे वहाँ लगे। आज जो हमने जिंदल स्टेनलेस की जो कि पूरे देश की जानी मानी कंपनी है उसका यहाँ मेला लगाने का काम किया है, मैं उसके लिए विशेष रूप से जिंदल स्टेनलेस परिवार का और सभी जो हमारे एचआर मैनेजर आए उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ और उनसे दोबारा फिर यही आग्रह करूंगा कि हमारे आज करीब 300 बच्चों ने हमारे इंटरव्यू दिया है तो जो बच्चे हमारे आपकी सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं उन बच्चों को आप सभी को जॉब देने का काम करें। जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के जनरल मैनेजर एचआर अनुपम जाखनवाल ने द नेशन टाइम्स से खास बातचीत के दौरान बताया कि उनकी कंपनी को अच्छे और गुणी विद्यार्थियों की तलाश रहती है। सूर्यवाला में अभ्यर्थियों का उत्साह देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। आज हम लोगों ने यहाँ सूर्यवाला में आईटीआई में एक जॉब फेयर लगाया था जिसमें हमें कुछ आईटीआई बच्चे चाहिए हैं, अच्छे क्वालिफाइड बच्चे, कुछ को हम अप्रेंटिस पर रखेंगे और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अप्रेंटिस कंप्लीट करी है उनको जॉब के लिए रखेंगे जी। तो उस तरह से हम लोगों ने आज ये कैंप यहाँ लगाया हुआ है। हमारे अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोग हमें मिले और काफ़ी भीड़ रही। हमारी पूरी टीम थी, हरीश गुप्ता जी हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के इंचार्ज हैं, रचिन वर्मा जी हैं ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, हमारे जगदीश जी हैं और ये रमेश वर्मा जी हैं, ये लोग रिक्रूटमेंट टीम है हमारी पूरी। इन्होंने सब ने मिल के पूरा एक अच्छा इंटरव्यू किया और काफ़ी कैंडिडेट मिले हमारे को, तो हमें ये अच्छा बहुत अनुभव मिला। और इसमें अनूप धानक जी जो मिनिस्टर साहब हैं उनका बहुत ही सहयोग रहा। उनके एक बार हमने उनसे निवेदन किया था तो बस उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर कैंप के लिए हाँ भर दिया और ख़ुद भी आए यहाँ पर, तो उनका भी सहयोग मिला। प्रिंसिपल साहब का, धानिया जी का भी हमें बहुत सहयोग मिला है, मैं इनसे पहले मिला था, इन्होंने भी सारी यहाँ लाइनअप करा करके किया, तो बहुत अच्छा है। हम लोग और आगे करते रहेंगे, अच्छे बच्चे होने चाहिए, हमें प्लांट के लिए अच्छे बच्चे चाहिए। सूर्यवाला आईटीआई के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह धानिया ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के प्रयासों से उनके संस्थान में समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है।
आज का कार्यक्रम जो मंत्री जी ने कैसे से हुआ है, और यहाँ पे इसमें अपने जिंदल ग्रुप है जो अनुपम जी हैं, इन्होंने काफ़ी प्रभाव से बच्चों का इंटरव्यू लिया है, और यहाँ करीब 325 करीब का इंटरव्यू हुआ है, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अधिक से अधिक जो है रोज़गार पे जॉब देंगे तथा अप्रेंटिसशिप रखेंगे।